क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो रियल लाइफ में बहुत अच्छा दिखता हो लेकिन फोटोज में उतना अच्छा ना लगता हो? क्या मतलब आप ही वो इंसान हो? हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइज, आज की ये वाली वीडियो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फोटोज में कैसे बढ़िया दिख सकते हो। देखो, हर इंसान अलग है एंड जैसे वो है वैसे ही वो परफेक्ट है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि लुक्स के मामले में किसी को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। अब देखो, हर इंसान परफेक्ट है लेकिन फोटो में बहुत कम लोग जो परफेक्ट दिख पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं पिछले 4-5 साल पहले फोटो में कुछ ऐसा दिखता था जो कि बहुत ही बोरिंग है, मतलब हटाओ इसको यार, क्या ये। अब भाई देखो, सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पर लोग आपसे मिलने से पहले आपको इंटरनेट पर ढूंढते हैं, तो इसलिए आपके पास अपनी परफेक्ट फोटोज तो होनी चाहिए। पहले अगर आप भी फोटो में परफेक्ट नहीं दिख पाते हैं एंड स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी फोटो क्लिक करने में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू लुक गुड इन फोटोज। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे बड़ी गलती जो मैं किसी भी फोटो में नोटिस करता हूँ वो ये कि लोगों ने लोकेशन के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन रखे होते। जैसे कुछ लोग रोड पे फोटो क्लिक कराते हैं कुर्ता पजामा पहन के, और कुछ फोटोज में लोग बीच पे सूट बूट पहन के बैठे होते हैं। अब देखो, फोटो में परफेक्ट दिखने के लिए आपको पूरे फ्रेम को परफेक्ट करना पड़ेगा, एंड फ्रेम किस चीज से बनता है? एक आपका बैकग्राउंड एंड दूसरे आप खुद। अब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहने, या फिर जैसे आपके कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड ढूंढें। इन सिंपल वर्ड, आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जैसे भी आप अपनी फोटो में लुक चाह रहे हैं वैसे टाइप का आप बैकग्राउंड ढूंढें, वैसे टाइप के आप कपड़े पहने। अब सपोज आपके पास एक ड्रेस है जो बहुत ज्यादा स्ट्रीट वेयर टाइप की है, तो इन फोटो को अगर आप स्ट्रीट में ही क्लिक करें तो ये ज्यादा अच्छी दिखेगी। अगर आप इनको पहन के कहीं बीच पे या फिर कहीं पार्टी में चले गए तो वहां पे आप फूल लगोगे। कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। कुर्ता पजामा या फिर एथनिक वेयर आप किसी फेस्टिवल में पहन सकते हो, शादी वाली फोटोज में भी ये पहन सकते हो, मंदिर में गए वहां पे भी अच्छा लगेगा, या फिर आप किसी फैमिली गैदरिंग वाली फोटो में हो तो वहां पे आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके फॉर्मल आउटफिट है तो आपको एक अर्बन लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, मतलब बैकग्राउंड में कोई अच्छी सी बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, कैफे हो, कोई मॉल हो, या फिर कोई प्लेन वॉल हो। कहने का मतलब ये कि हर बैकग्राउंड के लिए अलग टाइप के कपड़े बने होते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क है तो आप लाइट कपड़े पहन सकते हैं ताकि आप बैकग्राउंड से अलग दिखें। इस तरीके से आप जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से कपड़े पहने। फोटोज में आप सीजन के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, जैसे कि आप गर्मियों में शॉर्ट्स पहन सकते हैं या फिर सर्दियों में लेदर जैकेट एंड बूट्स पहन सकते हैं। फॉर्मल सूट पहनकर आप लद्दाख ना जाएं। किसी भी फोटो में लोग सबसे पहले आपके फेस को नोटिस करते हैं, एंड फेस आपका परफेक्ट दिखना चाहिए। अब फेस के अलग अलग साइड्स है, कौन से साइड से फेस आपका परफेक्ट दिखता है ये कैसे जाने? इसके लिए आपको अपनी बेस्ट प्रोफाइल ढूंढनी पड़ेगी। ज्यादातर लोगों की लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगती है, पर आप अपनी प्रोफाइल कैसे ढूंढ सकते हैं? अपने हेयर स्टाइल के बेस पे आप अपनी परफेक्ट साइड को ढूंढ सकते हैं। फेस की जिस साइड से आपकी हेयर लाइन ज्यादा दिखती है उस साइड से आपका फेस ज्यादा प्लीजिंग लगता है। जैसे मैं अपने बालों को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाता हूं तो मेरी ये वाली लुक ज्यादा अच्छी लगती है रादर देन ये वाली। इसके अलावा अगर आप बियर्ड रखते हो तो आपको अपने फेस में बियर्ड को भी देखना है, किस साइड से आपकी बियर्ड ज्यादा परफेक्टली आती है। जैसे मेरी इस साइड से बिल्कुल बॉक्स बनता है लेकिन यहाँ से थोड़ी सी कम बियर्ड है तो मैं इस साइड से फोटो ज्यादा क्लिक करता हूँ। वैसे अगर आपकी बियर्ड अच्छी खासी आती है तो आपको वो रखनी चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि बियर्ड आपके फेस को बैलेंस कर देती है, दोनों साइड से इक्वल आपका फेस लगने लगता है, एंड जब भी आपका फेस इक्वल लगे, सिमेट्रिकल लगे, तो आपकी लुक ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपको बियर्ड नहीं आती तो आपको अपने हेयर स्टाइल को भी परफेक्ट करना पड़ेगा। आपके फेस पे सबसे पहली चीज जो कोई भी नोटिस करेगा वो आपके हेयर स्टाइल है। अपने फेस के अकॉर्डिंग अपने हेयर स्टाइल को सेट करें एंड अपने बालों को हेल्थी रखें। बालों को हेल्थी रखने के लिए जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, जैसे कि बायोटिन, जिंक एंड मल्टीविटामिन, और इसके लिए मैन मैटर्स हेयर गमीज इज द बेस्ट, क्योंकि ये आपके हेयर एंड बियर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड इट मेक्स हेयर थिकर एंड स्मूथर। साथ ही ये हेल्प करता है हेयर एजिंग, थिनिंग एंड हेयर फॉल को रोकने में। और ऐसा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके अंदर है बायोटीन, जिंक और मल्टीविटामिन्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो ये इस तरीके से एक बहुत ही क्यूट सी गमीज की फॉर्म में आता है जो कि 100% वीगन एंड शुगर फ्री है। ये गमीज बस आपको दिन में एक बार लेनी होती है, एंड 2-3 महीने में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी बालों की केयर करना चाहते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करने के लिए। सो आप भी इसको बहुत ही इजीली बाय कर सकते हैं, एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करके आप बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। बहुत सारे लोग जब फोटोज क्लिक करवाते हैं तो उनको ये लगता है कि यार फोटो में देखे कहाँ पर और नजरें कैसे मिलाएं कैमरा से, कैमरा को देखना है फिर कैमरा को अवॉइड करना है, ये समझ नहीं आ पाता है। और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी आप फोटो क्लिक करवाएं आप एक चश्मा जरूर पहने, ताकि आपको अपनी आंखें दिखाई ना पड़े कैमरा में, एंड आपकी आईज मतलब ऐसी डिस्कस्टिंग से ना लगे, आप कभी किधर देख रहे हो कभी किधर देख रहे हो, कभी आपको कैमरा फेस करना है कभी आपको कैमरा अवॉइड करना है। और कई बार तो आपकी फोटो बस इसलिए खराब हो जाती है कि आपकी फोटो में आपकी आंखें बंद आ गई। तो इन सभी झंझट से बचने के लिए आप अपनी फोटो में एक चश्मा पहन सकते हैं, एंड चश्मे पहनने के बेसिकली दो फायदे हैं, एक तो आपकी आंखें नहीं दिखेगी एंड दूसरे कि आपका फेस बहुत ही सिमेट्रिकल लगेगा। अब क्योंकि चश्मे की दोनों साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है तो वो आपके फेस में भी एक सिमेट्री ऐड करता है, एंड हम ह्यूमंस को जो भी सिमेट्रिकल चीजें हैं वो बहुत अच्छी लगती है, जैसे ताजमहल। तो फोटो में अगर आपका फेस भी थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगे तो आप बहुत अच्छे दिख सकते हो। देखो, अगर आपको फोटो में अच्छा दिखना है तो आपको लाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर फोटो में लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको ये चीज पता होगी कि लाइट को कैसे ट्रीट करना होता है, पर अगर आप फोटोग्राफर नहीं हो एंड जस्ट फोटो में अच्छा दिखना चाहते हो तो आपको लाइट को अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप अपनी फोटो क्लिक करें तो नेचुरल लाइट में फोटो क्लिक करें, जैसे कि सनलाइट। आर्टिफिशियल लाइटिंग जैसे कि इंडोर लाइटिंग या फिर स्टूडियो लाइटिंग, उसको आप स्टार्टिंग में अवॉइड करें क्योंकि उसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड उसकी
वजह से आपकी पूरी फोटो में लुक भी आपकी खराब हो सकती है। तो नेचुरल लाइट इज द बेस्ट सोर्स। नेचुरल लाइट को आपको यूज कैसे करना है, हार्श लाइटिंग को अवॉइड करो, सुबह या शाम के टाइम पे फोटो क्लिक करो, सनराइज या सनसेट के टाइम पे, उस टाइम पे लाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है एंड बहुत ज्यादा गोल्डन सी होती है। सेकंडली आप फोटो को बैकलाइट में क्लिक मत करो वरना आपका फेस बहुत ज्यादा डार्क आ सकता है, मतलब सन को अपनी फोटो में आप पीछे मत रखो, सन के सामने रह के फोटो क्लिक करो, उससे आपके फेस पे बहुत इवन लाइटिंग आएगी एंड गोल्डन आज के टाइम में लाइट थोड़ी सी गोल्डन भी हो जाती है जिससे कि आपका फेस थोड़ा सा और अच्छा दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी फोटो में थोड़ा सा गेस्चर्स ऐड करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था फोटो जब क्लिक करवाते हैं तो उनको पोजिंग समझ नहीं आती है कि यार पोज कैसे करें। अब उनको पोज अगर बता भी दिया तो वो हाथ की मूवमेंट सही नहीं रख पाते। अगर आप उनको बता दें कि आपको ऐसे खड़े होना है, किसी वॉल पर लीन होना है, तो वो वॉल पर लीन तो हो गए लेकिन उनके हाथ बहुत ही नॉर्मल से सिंपल से ऐसे लगते हैं, बिल्कुल अंकल वाले पोज। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको थोड़े बहुत गेस्चर अपने हाथों में रखना है, मतलब अपने हाथ का यूज़ करें आप फोटो में कुछ पोज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी सेट करना है, आपको अपनी घड़ी सेट करनी है या फिर आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं या फिर अपने कॉलर सेट कर सकते हैं या फिर अपने चश्मा पकड़ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा गेस्चर अपनी फोटो में ऐड करें ताकि जब भी आप फोटो क्लिक करो थोड़ी सी कैंडिड सी दिखे। कैंडिड का मतलब ये कि आपकी फोटो आपको बिना बताए क्लिक कर ली। अब ये चीज सेलिब्रिटीज के लिए तो बहुत आम बात है कि लोग उनकी फोटोज क्लिक करते रहते हैं एंड फोटो बहुत अच्छी आती है, पर आप और हम जैसे लोगों की फोटो कौन क्लिक करेगा। तो आपको फेक कैंडिड का यूज करना है, मतलब आपको फोटो ऐसे क्लिक करनी है जैसे कि आप कैमरा में देख नहीं रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और आप एक्टिविटी कर रहे हो एंड किसी ने फोटो क्लिक कर लिया, आपको ऐसे दिखाना है फोटो में, मतलब अपने बाल वाल सेट कर रहे हो या फिर आप चश्मा पहन रहे हो या फिर अपनी कुछ शर्ट आप सेट कर रहे हो, कोई बैग आप पकड़ रहे हो, कुछ भी आप कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कि आप कैमरा को नहीं देख रहे हो एंड साइड से आपकी फोटो क्लिक हो रही है, तो आपकी भी कैंडिड फोटोज आ जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड जो मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, नेक्स्ट टाइम जब भी फोटोज को आप क्लिक करवाओ तो इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना एंड आपकी फोटो बहुत ही अच्छी आएंगी। और अगर आपकी फोटो अच्छी आ जाए तो उसको इंस्टा पे जरूर से पोस्ट करना, मुझे भी आप टैग कर सकते हो एंड इंस्टा पे आएगी तो यार फॉलो भी कर लेना। बाकी जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।